हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, आप सबका काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि बुलेट 350 हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कब तक आएगी, एंड उसके बारे में कुछ अपडेट दो एंड क्या उसकी डिटेल्स हैं। जो भी मैं आजकल ऑनलाइन वीडियो डाल रहा था एक दो हफ्ते से, उसकी हर वीडियो में एक से दो कमेंट तो ये आती थी, बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ बताओ, कब तक आएगी, क्या फीचर्स हैं, किक आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब उसी से रिलेटेड आगे पीछे सारे क्वेश्चंस आप लोग कर रहे थे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं सिर्फ यही बोलता था कि मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर अपडेट लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को जवाब तब देता जब मेरे को खुद कुछ अपडेट होता, ठीक है। अभी उसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं थे। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने तो अभी खुद ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि वाली बाइक कब तक आएगी, ठीक है। सो जो वो बात जो होती है दोस्तों, वो एक हमारे सोर्सेज से हमें पता लगती हैं। जब हमें पता लगेंगे हमारे सोर्सेज से, तभी मैं आप लोगों को एक सही चीज़ बताऊंगा दोस्तों। उठा के कुछ भी बता दूं आप लोगों को, कुछ भी आप लोगों को मिसगाइड कर दूं उसके बारे में, सो फ्रेंड्स वो सब चीज़ें मैं नहीं करता व्यूज के चक्कर में कभी भी, ठीक है। तो अब आज आप लोगों के लिए उसके बारे में वीडियो लेके आऊँ, तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेटिव बात दूंगा, एंड लास्ट में मैं इसकी एक आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। आप लोगों का भी दिल दोस्तों खुश हो जाएगा वाली बात सुनने के बाद, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस बनाने में दोस्तों हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं, अप्रोच निकलवानी पड़ती है, तब जाके थोड़ी बहुत जो ये इन्फॉर्मेशन है हमें मिलती है। सो आप लोग एक छोटी सी हेल्प हमारी कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है हमारे को ये सब वीडियो बनाने में। आप ये जो आज वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी 2 से 3 हफ्ते की मेहनत है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें कर सकते हैं इस वाली वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों। रेड कलर का जो नीचे बटन आ रहा है क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बस आप लोगों ने बस इतना सा काम करना है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। दोस्तों देखिए, आप सबको जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन आएगी कि नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आएगी और जरूर आएगी, और इसी साल में आएगी। अभी थोड़ा सा आगे चल के अभी आपको बता दूंगा कि कब तक आए, जो उसकी डेट वगैरह भी हमें जो पता लगी है कब तक आएगी, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आएगी, ज़रूर आएगी, ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाइए। आपको कोई भी बोल रहा है कि नहीं आने वाली है, यही रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन वाली बुलेट 350 जरूर आएगी दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि हमारी जो बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन है उसके कितने कलर ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगी, या उसके कितने वेरियंट्स आएंगे। जैसे कि इस टाइम हमें 3 वेरियंट हमें मिलते हैं, एक 350X KS, 350XES और एक बुलेट 350। इस टाइम हमें 3 वेरियंट देखने को मिलते हैं बुलेट 350 के। सो क्या जो नेक्स्ट जनरेशन वाली आएगी उसमें भी 3 वेरियंट आएंगे? तो देखिए दोस्तों, अभी इस बारे में ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात की श्योरिटी है जो हमारा सबसे पुराना मॉडल चला आ रहा है दोस्तों, जिसपे आप लोगों को हैंडमेड टैंक मिलता है, एंड जिसका लोगो आप लोगों को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आप लोगों को काफ़ी बड़ा 3D में मिलता है, यही वाला वेरिएंट अभी बस आएगा नेक्स्ट जनरेशन में। अभी इसी के बारे में अपडेट आ रही है, बाकी जो XKS और XES है उसके बारे में अभी कुछ भी अपडेट दोस्तों नहीं आ रही है। और बात करें कलर की, जिसमें दोस्तों सिर्फ 2 कलर ऑप्शन अभी तक पता लग पाए हैं जो आएंगे। एक आएगा दोस्तों अभी जो आप लोगों को ब्लैक कलर मिल रहा है, सेम यही कलर आएगा, ब्लैक कलर, एंड एक जो बुलेट 500 में आता था फॉरेस्ट ग्रीन कलर, एक वो कलर दोबारा से वापस आएगा दोस्तों। सो ये 2 कलर के बारे में अभी अपडेट मिली है, जो ये 2 कलर अभी हमें आएंगे बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। आते हैं अपने थर्ड अपडेट की तरफ। फ्रेंड्स, थर्ड अपडेट है इसका, जो मीटर आप लोग देख पा रहे हैं, जो एनालॉग मीटर आप लोगों को मिलता था, अब ये हटा के सेम नया वाला क्लासिक की तरह मीटर जो इसका कर दिया गया है, एंड वो आप लोगों को सेमी डिजिटल मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये चीज़ सच में अच्छी लगती है। हाँ माना, अब आपकी बाइक जो रेट्रो लुकिंग नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें चेंज करने के बाद जो ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये अपडेट बहुत अच्छा अपडेट है। इसके अंदर आप लोगों को डिजिटली फ्यूल गेज मिलता है, ट्रिप ABF सारे इसके अंदर आप लोगों को शो करता है, टाइम शो करता है, किलोमीटर शो करता है इसके अंदर आप लोगों को। तो ये सारे फीचर्स जो नेसेसरी फीचर्स होते हैं एक बाइक के अंदर होने ही होने चाहिए, ये सब जो है जरूरी फीचर्स है दोस्तों। आई थिंक ये गुड अपडेट है, इसके अंदर ये जो सेमी डिजिटल मीटर है वो दिया जा रहा है। एंड जो फोर्थ अपडेट है दोस्तों, वो ये है, अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो टायर्स हैं वो ब्रॉड मिलेंगे थोड़े से, जैसे कि आप लोगों को क्लासिक में मिलते हैं। पहले आप लोगों को भी पता है इसके जो टायर हैं वो इतने इतने से आते थे, बस पतले पतले से, वो देखने में बिल्कुल स्प्लेंडर वाले टायर लगते थे, फ्रंट बैक दोनों 90x90 19 इंच के आप लोगों को मिलते थे। लेकिन दोस्तों, इसके टायर आप लोगों को ब्रॉड टायर मिलेंगे कंपनी की तरफ से ही, जो रियर टायरों का 120x18 इंच का आप लोगों को इसका मिलेगा, फ्रंट टायर आप लोगों को 190x19 इंच का मिलेगा, जिस वजह से इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलती है दोस्तों, वो
काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। एंड इस बाइक के वेट के हिसाब से एंड इस बाइक की पावर के हिसाब से ये जो चीज़ थी दोस्तों ये होनी ही होनी थी। आप लोग लेने के बाद भी इसके टायर जो है चेंज करवाते हैं, काफ़ी कम लोग इस बाइक को दोस्तों स्टॉक रखते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं इसके टायर ही चेंज कराते हैं। सबसे पहली इस बाइक को लेने के बाद जो मॉडिफिकेशन हम लोग करवाते हैं वो इसके टायर ही होते हैं, क्योंकि इतने पतले पतले टायर मिलते हैं, राइड बिल्कुल सेफ़ नहीं रहती है इस बाइक को चलाने में, डर लगता है चलाने में, बाइक बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है। सो ये चीज़ आप लोगों को मिलेगी। एंड जो नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट बैक दोनों में डिस्क मिलेगी, बाइब्री की ब्रेकिंग इसके अंदर आने वाली है जो कि आप लोगों को अगेन क्लासिक में भी दी जा रही है। अभी इसमें आप लोगों को सिर्फ सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS मिलता था, लेकिन अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को ड्यूल डिस्क ड्यूल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, वो है इसकी क्या इसके पूरी लुक चेंज होने वाली है। तो नहीं दोस्तों, इसकी पूरी लुक नहीं चेंज होगी, बाइक एग्जैक्टली यही रहेगी, इसकी शेप एंड लुक्स रॉयल इनफील्ड चेंज नहीं करेगा। अगर रॉयल इनफील्ड ने चेंज कर दिया तो रॉयल इनफील्ड का दोस्तों बट्टा बैठ जाएगा, ये बात बिल्कुल सच्चे, देखो शुद्ध भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देसी लैंग्वेज में, रॉयल इनफील्ड की हालत ख़राब हो जाएगी अगर रॉयल इनफील्ड ने इसकी लुक चेंज कर दी तो। क्योंकि ये दोस्तों आप सब भी जानते हैं एंड हम भी जानते हैं एंड कंपनी वाले भी रॉयल इनफील्ड वाले भी इस चीज़ें जानते हैं कि ये रॉयल इनफील्ड की वन एंड ओनली ऐसी बाइक है जो अभी भी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, सबसे ज़्यादा बुकिंग अभी भी आप लोगों को इस बाइक की ही मिलती है बुलेट 350 की। एंड अभी जनवरी 2022 में जो प्राइजेस बढ़े हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्राइजेस इसी बाइक पे बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 रुपये बढ़ाए हैं इस बाइक के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये अभी भी रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। एंड 6,000 से 7,000 रुपये बढ़ने के बाद भी इस बाइक की सेल में कोई कमी नहीं आई है, अभी भी दुनिया पागलों की तरह खरीद रही है इस बाइक को, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं इसको उसकी शेप की वजह से खरीदते हैं, इसकी लुक्स की वजह से खरीदते हैं, ओल्ड स्कूल रेट्रो लुकिंग फील आप लोगों को ये वाली बाइक देती है। तो शेप इस बाइक की नहीं चेंज होगी, शेप एग्जैक्टली यही रहेगी, जो चेंज होगा टायर्स चेंज होंगे, इंजन चेंज होगा, बाकी इसका आप लोगों को मीटर चेंज मिलेगा, ब्रेक्स चेंज मिलेंगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर चेंज होंगी, बाकी इस बाइक के अंदर आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं मिलेगी। एंड नेक्स्ट अपडेट ये है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को क्लासिक में फाइबर पार्ट जो है वो देखने को मिले हैं इस बार, जो कि आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर फाइबर पार्ट क्यों दे दिया, तो दोस्तों उसके अंदर आप लोगों को फाइबर पार्ट कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरी आप लोगों को एग्जैक्टली जैसे अब आ रही है ऐसे ही मेटल की बॉडी आप लोगों को उसकी मिलेगी, उसमें कहीं पे भी कोई फाइबर पार्ट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। और अब एक चीज़ और, आप लोग सोचेंगे कि मैट ब्लैक वाला इंजन मिलेगा या क्रोम वाला इंजन मिलेगा, सो फ्रेंड्स इसके अंदर आप लोगों को क्रोम वाला इंजन दिया जाएगा, इसके अंदर आप लोगों को मैट ब्लैक वाला इंजन नहीं आएगा इसके वेरिएंट के अंदर, लेकिन जो इंजन है दोस्तों आप लोगों को न्यू शेप वाला मिलेगा जो कि आप लोगों को 349 cc की पावर वाला मिलता है, पावर थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, जो कि आप लोगों को क्लासिक में भी मिलती है। एंड अब आ जाते हैं सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, ये है इस वीडियो का लास्ट सेकंड पॉइंट, इसके बाद एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट होगा वो, तो ये सारे अपडेट आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये है कि किक आएगी कि नहीं आएगी, सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन यही होता है हमारा कि इस बाइक के अंदर अब किक आएगी कि किक भी हटा देंगे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक में से जैसे कि हटा दी। तो दोस्तों रॉयल इनफील्ड को भी ये बात पता है, रॉयल इनफील्ड भी इस बाइक का रिव्यू एंड सर्वे कर रहा है कि क्या लोगों को पसंद है किक या नहीं पसंद है। तो दोस्तों किक के चांसेस हैं इस बाइक के अंदर, अब मैं आप लोगों को ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि ये बाइक में आप लोगों को किक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर किक आएगी ये बात की श्योरिटी है, 90-95% तक श्योरिटी है इस बाइक के अंदर किक आप लोगों को मिलेगी। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेल्फ भी मिल जाएगा, ठीक है, किक सेल्फ दोनों मिलेगा आपको इस बाइक के अंदर दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है क्लासिक में से किक हटाने के बाद रॉयल इनफील्ड को भी ये चीज़ फील हो गई है, एंड उसमें से आप लोगों ने भी अगर हमारी वीडियोस शेयर की होंगी दोस्तों, तो जैसे कि हमने अभी आप लोगों को बताया था कि जो रॉयल इनफील्ड नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 है इसमें जो किक हटा दी है इसकी वजह से इस बाइक को बहुत कम लोग जो खरीद रहे हैं, एंड इस बाइक की तारीफ ही सिर्फ वो कर रहा है जो ये बाइक खरीद रहा है, इसके अलावा इस बाइक की तारीफ कोई नहीं कर रहा है दोस्तों, ये बात फैक्ट है। मैंने भी जो पहले वीडियोस बनाई हैं उसमें भी काफ़ी लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, किक हटाने के बाद वजह ये है वो है ये है, किक हटाने के बाद मज़ा हो गया बाइक के अंदर चलाने का, ये कुछ भी है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ वही बोल रहे हैं जो उस बाइक को ऑन करते हैं, जिसने उसको खरीदा है सिर्फ वो ही तारीफ कर रहा है। अब उस वीडियो में मेरे को 25% कमेंट आई है कि बहुत अच्छी बाइक है, नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 उसके अंदर से किक हटा दी, फाइबर पार्ट दिए हैं, तो वो बहुत अच्छी बाइक है, और वो 25% लोग वही हैं जिन्होंने उस बाइक को परचेज़ किया है, और जो 75% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाइक बिल्कुल बेकार है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो
75% लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया उस वाली वीडियो में कि आपकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही थे। मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप लोग ये भी देख सकते हैं। इस वाली वीडियो को पहले कंप्लीट देख लीजिए, थोड़ी सी रह गई है बस, तो ये वाली वीडियो देखिए, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको समझ। आप भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सही बताएं कि गलत बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने लास्ट अपडेट की तरफ, वो है कि जी कब तक आ रही है बाइक। आ तो रही है, हमने भी सुन लिया, आ रही है आ रही है आ रही है, कि कब तक आएगी ये तो बताओ। तो दोस्तों ये है इसकी सच्चाई। पहले जो इस बाइक को लॉन्च करने की डेट थी दोस्तों, वो मई तक थी कि मई तक इस बाइक को लॉन्च कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है सेमीकंडक्टर चिप की वजह से भी जो शॉर्टेज चल रही है इसकी, एंड अभी दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक के अंदर जो पहले इंजन बना दिए थे वो सेम क्लासिक वाले उठा के डाल रहे थे, ठीक है, उसमें से किक भी हटा के। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड उस बाइक के अंदर किक दे रहा है, तो इसकी वजह से जो डिले है थोड़ी बहुत हो जाएगी अब बाइक में, ठीक है, प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जो है डिले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब इस बाइक की जो डेट है दोस्तों, वो इस साल के अक्टूबर तक जो इसकी लॉन्चिंग डेट है वो पहुँच चुकी है। अब आप लोगों को अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ में मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि ये वाली बाइक जो अब आ रही है BS6 वाला वेरियंट अपना, ये बंद हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल बंद होगा, एंड बाइक लॉन्च होने से एक या डेढ़ महीना पहले ही इस बाइक को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देंगे। जो बचे हुए स्टॉक होंगे उनको तो आपको पता ही है, फटाफट निकाल देगी रॉयल एनफील्ड, इस बाइक को बनाना बिल्कुल बंद कर देगी रॉयल एनफील्ड। तो अगर आपने खरीदना है तो आप ये वाला वर्जन अभी खरीद सकते हैं, या अगर आपने रुकना है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सारे फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो उसके प्राइजेस भी ऑब्वियसली बढ़े हुए ही मिलेंगे आप लोगों को। जब 6-7 हज़ार रुपये अब इस पर बढ़ा दिए हैं, अब ये 170-175 की आप लोगों को पड़ रही है, सो वो भी आप लोगों को ऑन रोड जो है 190 या 195 के आसपास की पड़ेगी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड दोस्तों वीडियो लेट लाया, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो जो लाया हूँ दोस्तों, तो इसमें सारे ही पॉइंट और सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं, एंड सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं दोस्तों, एंड बिल्कुल ही ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, कोई अफवाहें नहीं उड़ाई हैं बेमतलब की। मैंने इस वाली वीडियो में अफवाहें उड़ानी होती तो दोस्तों आप लोग कब से डिमांड कर रहे हैं, पहले ही मैं बता देता आप लोगों को वीडियो बना के। जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सब जेन्युइन बताए हैं आप लोगों को, एंड यही चीज़ें आई एम श्योर होंगी भी बाइक के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, इस वाली वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो में लाने में आप लोगों के लिए, क्योंकि जो सोर्स इन्फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ हमें फ़ोन कर करके जाके ये सब बातें पता करनी पड़ती हैं दोस्तों, तब जाके एक वीडियो आप लोगों के लिए बनती है। सो आप लोग एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं दोस्तों, इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, एंड इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल एनफील्ड लवर्स के साथ शेयर कीजिए, या उनके साथ शेयर कीजिए जो बुलेट 350 लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।